दोस्तों यहाँ पे एक स्टार्टअप कंपनी ने यहाँ पे एक ऐसा पैसेंजर ड्रोन बनाया है जो कि एक फ्लाइट सिमुलेटर की तरह भी यूज किया जा सकता है, और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें भी दी गई हैं। तो देखते रहिए आप इसी वीडियो को, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इसी फ्लाइट सिमुलेटर या फिर पैसेंजर ड्रोन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे ये लिफ्ट नाम की एक कंपनी है जिसने यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट टाइप पैसेंजर ड्रोन बनाया है जो कि काफी सक्सेसफुल है, और यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पे अलाउंस होती इस चीज की और ये चीज इतनी नई नहीं होती तो ये भी पक्का उड़ रही होती और बहुत ही कॉमन हो गई होती। यहाँ पे बात यह है कि ये कंपनी इतनी तेजी से ये चीज लेके आई है जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, और ये काफी इनोवेटिव है। दोस्तों यहाँ पे जो इस कंपनी के सीईओ हैं उनके बारे में ये कहना है कि अगर यहाँ पे टाइम नहीं होती तो हम अभी फ्यूचर ही में होते, एज इन ये बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव चीज इन्होंने बनाई है। और यहाँ पे इस मॉडल का नाम हेक्सा रखा गया है, और ये एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये इलेक्ट्रिक से चलती है, यानी कि यहाँ पे बैटरीज यूज होती है, यहाँ पे पेट्रोलियम की कोई यूसेज नहीं है। देखने में तो ये एक ड्रोन और हेलीकॉप्टर का मिक्सचर लगता है, लेकिन ये काफी कमाल की चीज है। यहाँ पे कोई भी इंसान इसमें बैठ के एक फ्लाइट सिमुलेटर की तरह फील कर सकता है और उड़ सकता है। अभी तो इसे गवर्नमेंट से अलाउंस मिली नहीं है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसे गवर्नमेंट अलाउ कर दे और जल्द से जल्द ये उड़ना शुरू हो जाए। तो ये एक बहुत ही कमाल का चीज बनाया गया है यहाँ पे। अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने इसे अलाउ नहीं किया है, तो इसे दूसरे चीजों के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे इसे किसी लेक के पास यूज किया जा रहा है जो कि एक अच्छा नजारा दिखाने के लिए यहाँ पे काम में लिया जा रहा है, और आने वाले दिनों में ये बहुत ही जल्द पैसेंजर्स के भी काम आ सकता है। अभी तो फिलहाल इसे ऑस्टिन के बाहर एक लेक है वहां पे टेक्सास में इसका यूज किया जा रहा है, और यहाँ पे इसकी जो चार्ज है वो है $249 की, जो कि शायद इसके लिए जस्टिफाइड हो या नहीं उसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट को अभी भी लग रहा है कि इसमें रिस्क है, और वो उन्हें प्रूफ करने बोल रही है कि ये रिस्क फ्री है, तो कंपनी उसी में लगी हुई है यहाँ पे। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे ये जो एयरक्राफ्ट है या फिर इसे आप पैसेंजर ड्रोन जो भी बोलिए, ये उबर और जितनी भी बड़ी वहाँ टैक्सी सर्विसेज है वो भी यूज कर सकती है, और उनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इसमें क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैफिक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है और सब चाहते हैं यहाँ पे कि कुछ उड़ने जैसा चीज बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को उड़ाने के लिए यहाँ पे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जो कंपनी है उसका ये क्लेम करना कि ये बहुत ही इजी है और छोटे से ट्रेनिंग से भी यहाँ पे कोई इसे उड़ा सकता है, जो कि गवर्नमेंट को थोड़ा रिस्की लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी है उनका ये क्लेम करना है कि यहाँ पे पैसेंजर्स और जो पायलट है उन्हें एक छोटी सी ट्रेनिंग भी अगर दे दें तो वो इसे उड़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी कंट्रोल है वो बिल्कुल जॉयस्टिक की तरह है, और यहाँ पे जो कॉकपिट है वो काफी छोटा दिया गया है, और बोला जा रहा है कि वो काफी इजी है इसे ऑपरेट करना। उसके साथ साथ यहाँ पे जो इसका वेट है वो है 432 पाउंड्स का। दोस्तों अगर इन पाउंड्स को मैं कन्वर्ट करूँ किलो में तो ये करीबन 200 केजीज के आसपास आते हैं, ऐसे तो ये 190 केजीज कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मिला जुला के ये 200 केजीज के आसपास आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक कॉकपिट पे सीट दी गई है जो कि कंट्रोलर के लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे 18 प्रोपेलर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पे किया गया है, और ये काफी अच्छा डिजाइन निकल के आ रहा है यहाँ पे। ये बिल्कुल एक हेलीकॉप्टर लग रहा है जिसकी कोई टेल नहीं है। 18 प्रोपेलर्स के साथ यहाँ पे मोटर्स भी उतने ही लगे हुए, और उसके साथ साथ यहाँ पे बैटरीज भी उतनी ही लगी हुई है। यहाँ पे कंपनी का ये तक क्लेम करना है कि ये बहुत सेफ है और इमरजेंसी के वक्त इसे और भी कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा सकता है, और उनका किसी तरह ये दावा करना था कि ये काफी सेफ चीज है, लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं लगी किसी को, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो फ्लाइट है उनका वेट करीबन 250 पाउंड होना चाहिए, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या कहना है इस पे। यहाँ पे ये जो फ्लाइट है ये करीबन 60 माइल्स पर आवर के स्पीड से उड़ सकती है, और यहाँ पे कुशनिंग फ्लोट्स भी दिए गए हैं जिसकी मदद से ये पानी पे तैर भी सकती है और पानी पे लैंड भी कर सकती है, तो ये एक अच्छी चीज दी गई है यहाँ पे। और उनका ये भी दावा करना था कि इसे उड़ाने के लिए किसी भी हेलीकॉप्टर की तरह प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता, और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स भी लिए गए हैं, जैसे कि अगर उसकी बैटरी लो होगी तो वो किसी पैसेंजर को पिक नहीं करेगा और सबसे पहले अपने हब पे जाएगा। यहाँ पे उनका प्लान है करीबन 20 से 25 शहरों में कुछ हब्स बनाने का और इसके लिए एक लॉन्चिंग एरिया बनाने का, लेकिन गवर्नमेंट अभी अलाउ नहीं कर रही है उन्हें, और यहाँ पे अभी बहुत सारे टेस्ट और सेफ्टी मेजर्स के टेस्ट लेने बाकी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि इसे अप्रूव कैसे करवाया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि FAA जो है वो इसे सेफ्टी के लिए अप्रूव नहीं करेगा, और अभी इन्हें बहुत ही ज्यादा सेफ्टी को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा जो कि काफी टाइम ले लेगा यहाँ पे, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में ये एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज जो हैं टैक्सी के वो इसका सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा करता है। तो आपका क्या सोचना है इस लिफ्ट के एयरक्राफ्ट हेक्सा के बारे में मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के वीडियो में नहीं दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।